Hey guys, welcome to another video. आज लेके आ चुका हूँ एक और वीडियो. आज की वीडियो हम सीखेंगे हाउ टू टर्न अ विंडमिल क्यूब. ये बिल्कुल सेम सॉल्व होता है 3x3 की तरह, बिल्कुल सेम. तो चलो सबसे पहले इसको स्क्रैम्बल कर लेता हूँ मैं. तो गाइस, हो चुका है हमारा क्यूब विंडमिल स्क्रैम्बल. हमें सबसे पहले बनाना है यहाँ पर अपना क्रॉस वाइट वाले सेंटर के पास. तो हमें सबसे पहले ये वाइट एजेस लेके आने होंगे येलो के अपोजिट, वाइट के अपोजिट. सारे वाइट एजेस अपोजिट लाने होंगे. बस हमारा सारे एजेस अपोजिट आ चुके हैं लाइक दिस. अब सबको मैच करना है इसी तरह. ये हो चुका है हमारा मैच, ये बिल्कुल पेयर है. तो इसको हम कर देंगे टर्न नीचे. ये ग्रीन वाला भी मैच है तो हम इसे भी कर देंगे नीचे टर्न. एक सेकेंड, इसको हम करते हैं टर्न. ये भी हमारा देखो एक पूरी लाइन बन गई. अब हमें करना है रेड टर्न. तो लेके चलते हैं रेड के पास. तो हमारा रेड ना कुछ ऐसा है, ये बिल्कुल पेयर नहीं है. तो हम पहले राइट रेड को साइड करके इसको मूव करेंगे लेयर को, फिर वापस रेड को. फिर ये हमारा आ गया रेड भी पेयर. अब हम करते हैं ऑरेंज को पेयर. ऑरेंज है हमारा यहाँ पर, ऑरेंज अपना पेयर हो रखा है तो ऑरेंज को यूँ ही कर देंगे. फिर हमें सबसे पहले लगाने हैं यहाँ पर कॉर्नर्स. ये देखो ये होते हैं कॉर्नर्स. ये हमारे एजिस हैं यहाँ के. ये भी हमारे एजिस हैं, ये हमारे कॉर्नर हैं. तो हमें सबसे पहले इसको यहाँ पर और ग्रीन लेके आना है. ये हमारा हो चुका है पेयर. ये हमारा फर्स्ट लेयर के लिए ऐसे हमें सारे कॉर्नर्स को लगाना है आर यू आर प्राइम करके. ये भी हो गया. और फिर ये हमारा ऐसे नहीं लगेगा तो हमारी आर प्राइम करते रहेंगे. ये हमारी फर्स्ट लेयर हो चुकी है कंप्लीट. अब हमें करनी है सेकंड लेयर कंप्लीट. तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारे ये हैं एजिस कॉर्नर्स, मतलब इन ये हमारे कॉर्नर्स हैं, इन सबसे मैच हो चुके हैं हमारे. अब हमें लगाना है एजिस. ये हमारे एजिस है तो हमें ये ग्रीन यहाँ पर लगाना है. तो अगर छोटा हो तो इधर लाके ऊपर. फिर एक सेकेंड हमें थोड़ा सा साइड में करके इसको यूं करना है. और अगर ये नीचे को हो डाउन हो तो हमें लेफ्ट साइड में ले जाके करना है ये. इसको ऊपर, इसको इधर, इसको नीचे, जैसे 3x3 में करते हैं. और अगर अभी भी नीचे ही है तो हमें इधर इधर ले जाके इधर 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 और फिर इधर. ये भी नहीं चाहिए तो हमें इसको इधर ले जाना है. तो हमें इसको भी इसी तरह लगा देना है. ये हो गया हमारा लास्ट बचा है. ये देखो ये ऊपर है तो हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे. इसको ऊपर, इसको इधर, इसको वापस. फिर हम इसको भी कर देंगे इंसर्ट. ये हमारी सेकंड लेयर भी कंप्लीट, दो लेयर कंप्लीट. अब हमें ऊपर का भी क्रॉस बनाना है. तो हमें सबसे पहले क्रॉस बनाने के लिए सबसे पहले सबसे पहले हमें करना होगा F, फिर R प्राइम U प्राइम दो बार करना होगा. क्योंकि अगर इधर इधर होता तो एक बार और इधर इधर होता तो दो बार. हमारा क्रॉस बन चुका है, बिगिनर्स मेथड है. तो सबसे ये फिर हमें करने हैं ये क्या बोलते हैं एजिस मैच. ये मैच है, ये मैच नहीं है, ये वाला भी मैच नहीं है, ये वाला. तो हम एक बार मूव करके देखते हैं इनमें से दो आमने सामने या साइड वाले मैच होने चाहिए. हम ये मैच है और कोई भी मैच नहीं है अभी. तो हमें ये मैच है तो हमें इधर से यहाँ पर ये भी मैच है और ये वाला आज मैच है और कोई मैच नहीं है. तो हमें एक मूव करनी होगी जो अगर आपको 3x3 सॉल्व करना आता है. ये हो गया हमारा मैच सारे एजेस. अब हमें एक कॉर्नर ढूंढना है जो ट्विस्ट होके बिल्कुल यहाँ पे ही रहे. तो वही जो हम कॉर्नर मैच करने के लिए लगाते हैं वही मूव लगानी है कॉर्नर को अपनी जगह पे लाने के लिए. ये हमारा हो चुका है और ये हमें बस फिर यही मूव करते जानी है आर यू आर प्राइम. आप उसका उल्टा भी कर सकते हो अगर जल्दी करना हो. ये हमारा आर यू आर प्राइम, फिर से आर यू आर प्राइम. हो गया हमारा ये सॉल्व. इतना इजी था एक क्यूब सॉल्व करना गाइस.
एक इस पे चलो 3x3 को नॉर्मल सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व होता है। पहले इसको स्क्रैम्बल करते हैं। मैं विंडमिल भी ऐसी सॉल्व होता है, पहले हमें अपोजिट लाना वाइड क्या है जिसको, फिर इनसे मैच करके नीचे, ये भी नीचे, ये भी नीचे और ये भी नीचे, फिर कॉर्नर्स लगाने हमें यहाँ पर इधर, फिर से कॉर्नर्स लगाने हमको यहाँ पर कॉर्नर, यहाँ पर कॉर्नर, यहाँ पर कॉर्नर, फिर से यहाँ पर कॉर्नर, कॉर्नर नहीं मतलब एजेस, फिर से हम जॉइन करके एजेस लगा दिए पेयर करके। अब यहाँ पे हमें ये है एल है तो हमें यहाँ से लेके फिर वही एफ करके आर यू आर प्राइम, फिर हमें मैच करने हैं, ये ब्लू और रेड मैच है तो इनको जॉइन, फिर इन सबको मैच करके है जिसको, फिर एक कॉर्नर ढूंढना जो ट्विस्ट होके अपनी जगह पर है, फिर हमें सारे कॉर्नर आपको आता है तो सारे कॉर्नर्स मैच करके फिर हमें आर यू आर प्राइम और उसका उल्टा करके सॉल्व कर देना है क्यूब को। हो चुका है हमारा क्यूब सॉल्व। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Thank you.